आज हम बौसा का 89वां जन्मदिन और 90 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं हमारे बौसा, तो 89वां बर्थडे मना रहे हैं, 89th बर्थडे। तो हम सभी पहले नमस्कार महामंत्र बोलेंगे, उसके साथ ये कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए, ओम रे नमो अरहंतानं, ओम रे नमो सिद्धानं, ओम रे नमो आयरियानं, ओम रे नमो उज्जायानं, ओम रे नमो लोए संवसाऊनं, एसो पंच नमो कारो सर्व पाप प्रणाशनो मंगलानं च सर्वेशं पदमं भवै मंगलं, पदमं भवै मंगलं। आज के कार्यक्रम की शुरुआत सभी से जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। मंगल भावना पत्रक हमने स्थापित किया, स्वस्तिक ओम की स्थापना की, नवग्रह की स्थापना की, और एस का मतलब सुभाष चंद्र पापा जी का नाम, 90वें वर्ष में वो प्रवेश कर रहे हैं। एम का मतलब मिट्ठू देवी मम्मी का नाम, 86वें वर्ष में वो प्रवेश कर रही है। तो उन हमारे पूज्य है, उनके लिए हमारी मंगल भावनाएं, और ये मंगल भावना पत्रक 9 मंगल भावना को स्थापित करता है। श्री का मतलब लक्ष्मी और आभा संपन्न बने, री का मतलब लज्जा संपन्न और आत्मानुशासन संपन्न बने, धी का मतलब बुद्धि संपन्न बने, धृति का मतलब धैर्य संपन्न बने, शक्ति संपन्न बने, शांति संपन्न बने, आनंद संपन्न बने, तेजस्विता संपन्न बने और पवित्रता संपन्न बने। ये 9 मंगल भावनाएं हमने हम सबके लिए की और हमारे पूज्य पिताजी और माताजी के लिए की। तो ये मंगल भावनाएं इनके जीवन में भी सार्थक बने और हमारे अपने जीवन में भी सबके जीवन में सार्थक बने। इसी के साथ मैं मंत्रोच्चार करूँगा और आप हमारे साथ विराजे हुए हैं तो आप सबको तिलक करेंगे और दूसरे अपने अपने हाथ दूसरे के हाथ में मोली बांधेंगे। तो आप अपना कार्यक्रम प्रारंभ करें, सबको तिलक करें। और हमने अरहम ये थाली पर अरहम को हमने स्थापना की, और अरहम हमारे लिए ये बीज मंत्र है, जो जैसे ओम मंत्र है वैसे ही अरहम हमारे लिए बीज मंत्र का कार्य करता है। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम सूर्य भद्राजा, जैन धर्मोस्तु मंगलम, मंगलम मतिमान भिक्षु, मंगलम बार मल्लकर, मंगलम राय चंद्राद्या, मंगलम तुलसी गुरु, महाप्रज्ञोस्तु मंगलम, महासमणोस्तु मंगलम, तेरापन्तोस्तु मंगलम, विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओलक समरण किया, सरे अचिंत्या का, सरे अचिंत्या का, सरे अचिंत्या का। हम सबके जीवन में विघ्न बाधाएं दूर हो, उसके लिए विघ्नहरण का हमने जागरण किया। अब हम पापा जी के लिए और सबके लिए, पापा जी की आत्मरक्षा कवच के लिए हम एक मंत्र का उच्चारण करेंगे। पापा जी भी साथ साथ में बोलें और सभी साथ में बोलें, और जैसे मैं बोलूं वैसे ही सिर पर जैसा मेरा इशारा हो
वैसे ही इशारा करते हुए सभी बोले ओम रेम श्रीम अरहं नमो अरहंतानं राम सिरम रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम रेम अरहं नमो अरहंतानं राम सिरम रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम रेम नमो अरहंतानं राम सिरम रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम रेम नमो अरहंतानं राम सिरम रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम रेम नमो अरहंतानं राम सिरम रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम श्रीं नमो अरहंतानं राम सिरम रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम श्रीं नमो अरहंतानं राम सिरम रक्ष रक्ष स्वाहा। ॐ ह्रीं अरहं नमो सिद्धानं ह्रीं मुखं रक्ष रक्ष स्वाहा। ॐ ह्रीं अरहं नमो सिद्धानं ह्रीं मुखं रक्ष रक्ष स्वाहा। ॐ ह्रीं अरहं नमो सिद्धानं ह्रीं मुखं रक्ष रक्ष स्वाहा। ॐ ह्रीं अरहं नमो सिद्धानं ह्रीं मुखं रक्ष रक्ष स्वाहा। ॐ ह्रीं अरहं नमो सिद्धानं ह्रीं मुखं रक्ष रक्ष स्वाहा। ॐ ह्रीं अरहं नमो सिद्धानं ह्रीं मुखं रक्ष रक्ष स्वाहा। ॐ ह्रीं अरहं नमो सिद्धानं ह्रीं मुखं रक्ष रक्ष स्वाहा। ॐ ह्रीं अरहं नमो आयरियाणं रुं हृदयं रक्ष रक्ष स्वाहा। ॐ ह्रीं अरहं नमो आयरियाणं रुं हृदयं रक्ष रक्ष स्वाहा। आप सबको भी ऐसा इशारा करना है हमारा हृदय की रक्षा हो ऐसा इशारा करते हुए बोले ॐ ह्रीं अरहं नमो आयरियाणं ॐ ह्रीं हृदय रक्ष रक्ष स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं अरहं नमो आयरियाणं रुं हृदयं रक्ष रक्ष स्वाहा। ॐ ह्रीं अरहं नमो आयरियाणं रुं हृदयं रक्ष रक्ष स्वाहा। ॐ ह्रीं अरहं नमो आयरियाणं रुं हृदयं रक्ष रक्ष स्वाहा। ॐ ह्रीं अरहं नमो वज्रायाणं ह्रीं नाभिं रक्ष रक्ष स्वाहा। ॐ ह्रीं अरहं नमो वज्रायाणं ह्रीं नाभिं रक्ष रक्ष स्वाहा। ॐ ह्रीं अरहं नमो वज्रायाणं रुं हृदयं नाभिं रक्ष रक्ष स्वाहा। ॐ ह्रीं अरहं नमो वज्रायाणं ह्रीं नाभिं रक्ष रक्ष स्वाहा। ॐ ह्रीं अरहं नमो वज्रायाणं ह्रीं नाभिं रक्ष रक्ष स्वाहा। ॐ ह्रीं अरहं नमो वज्रायाणं ह्रीं नाभिं रक्ष रक्ष स्वाहा।
ॐ ह्रीं अर्हं भुवे सर्वसाहूनं रहत पालु रक्ष रक्ष स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो लोये सर्वसाहूनं रहत यातौ रक्ष रक्ष स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो लोये सर्वसाहूनं रहत पादौ रक्ष रक्ष स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो लोये सर्वसाहूनं रहत पादौ रक्ष रक्ष स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो लोये सर्वसाहूनं रहत पादौ रक्ष रक्ष स्वाहा। पांव तक हाथ दिया हमने, सिर से लगाकर पेट तक हमारे पूरे शरीर के हर अंग की रक्षा भगवान हमारी करें, यही हमने मंगल कामना की। और असुर वंदित 170 तीर्थंकर हमारी वंदना करें, हमारी रक्षा करें, हम उन्हें वंदन करते हैं। ओम पन्ननाय दसे वय पन्नठाल रखन तुम्हें शरीरम देवासुर पणिम्या सिद्धा, देवासुर पणिम्या सिद्धा। अभी सभी एक साथ वस्त्र का स्रोत करेंगे, भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति, दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। वस्त्रम पाशं पाशं मंदामि कमलं मुक्तं विसर विनिनासं मंगल कल्याण आवासं विवर पुलिंग मंदं कंठे धारी द्रोशयामनु तस्सगरोग मारी दुर्धरा जंति वसामं चिट्ठौ दूरे मंटो तुच्य प्रणामो विभव भलोई नर्गिरेषु विधिवा पावन्तेन दुःखदोऽर्थं त्वसम्मर्दे लब्धे चिन्तामणिकल्पवायवये पावन्ति अविद्येण जीवायनामरणं प्राणम् यसंतो मायस बद्रिवरविद्वरेण्येण तादेव निज्य भूमिं भवे भवे पार्श्वदिनचन्द्र। भगवान पार्श्वनाथ की हमने स्तुति की, अब हम ग्रह शांति मंत्र पढ़ेंगे। ओम ह्रीं श्रीं ग्रहश्चंद्र सूर्यांगारक बुध बृहस्पति शुक्र शनेश्वर राहु केतु सहिता खेटा जिनपति पुरतो वतिष्ठन्तु। मम, आप सब बोले मम, धन धान्य जय जय विजय विजय सुख सुख सौभाग्य सौभाग्य रीति रीति कीर्ति कीर्ति शांति शांति पुष्टि 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 बुद्धि बुद्धि लक्ष्मी लक्ष्मी धर्मार्थ कामदाशु स्वाहा धर्मार्थ कामदाशु स्वाहा। अब हमने ग्रह शांति की, अब हम गुरुदेव की तरफ से आपको मंगल आशीर्वाद, क्योंकि आप तो पापा जी, हम तो आशीर्वाद दे नहीं सकते, आपसे आशीर्वाद ले सकते हैं, लेकिन गुरुदेव की तरफ से आपको आशीर्वाद हम दे रहे हैं। हम तो केवल माध्यम है और गुरुदेव का ही आशीर्वाद है, तो आप गुरुदेव को स्मृति में लाएं, दोनों हाथ जोड़ें, आंखें कोमलता से बंद, और आपके लिए गुरुदेव की तरफ से आप ये समझे गुरुदेव ही हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, गुरुदेव का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु वृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु अविघ्नमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु कर्म सिद्धिरस्तु इष्ट संपत्तिरस्तु पापानि शाम्यन्तु पुण्यं वर्धताम श्री वर्धताम कुल गोत्रे चाभिर्वर्धिताम स्वस्ति भद्रम चास्तु स्वस्ति भद्रम चास्तु। अब सभी मंगल भावना एक साथ बोलेंगे। श्री संपन्नो अंशां श्री संपन्नो अंशां श्री संपन्नो
सम्पन्नो हमशाम शांति सम्पन्नो हमशाम नंदी सम्पन्नो हमशाम तेज सम्पन्नो हमशाम शुक्र सम्पन्नो हमशाम। हमने मंगल भावनाएं हम सब के लिए की और अब हम पापा जी के 90वें वर्ष में प्रवेश 89th वर्ष कंप्लीट हो रहे हैं। 89वां जन्मदिन हम मना रहे हैं और आपके लिए हम मंगल कामना करते हैं कि आप अपने जीवन में सदैव स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, प्रसन्नचित रहें और आध्यात्मिक उन्नति के अग्रसर हो। और हमारी मम्मी भी आज 86वें वर्ष में प्रवेश कर रही है तो मम्मी के लिए भी बहुत बहुत शुभकामना मंगल कामना। आपका आध्यात्मिक जीवन हमेशा उन्नति की ओर अग्रसर होता रहे और आपकी छत्र छाया में ये पूरा परिवार फलता फूलता रहे और सुख समृद्धि और वैभव तथा आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर हो। आपका आशीर्वाद सदैव हमारे सिर पर बना रहे, यही मंगल कामना हम प्रभु से करते हैं और आपसे भी आपके लिए भी मंगल कामना करते हैं कि आप चिरायु हो, दीर्घायु हो और हमें आपका सानिध्य सदैव मिलता रहे। ये मंगल भावना और आपका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ है, यही मंगल भावना। आज का हमने ये कार्यक्रम पापा जी की जन्म जयंती मनाई और इस उपलक्ष्य में हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस दिन को यादगार बनाएं। इसके लिए एक एक त्याग जो अपनी इच्छा से हो सभी एक एक त्याग अवश्य एक साल के लिए करें ताकि क्या चीज। और वो एक हमने चिट्ठी बनाई है उसमें जो चिट्ठी जिनको निकलेगी अगर वह संभव हो सके तो वह त्याग को ग्रहण करें और न संभव हो तो और न संभव हो न संभव हो तो फिर आप चिट्ठी बदली निकल जाए ठीक है। लेकिन आप कोशिश करें तो जल्दी लाए एक वर्ष के लिए मेरे हाथ से देता हूँ। एक वर्ष का लिए नहीं है उपवास ही का तो कहीं गलत विश्वास नहीं है आपका सोगा नहीं क्या तो नौकार सी नौकार सी एक साल का हम आपको लंबा नहीं करवा रहे हैं एक दिन के लिए और वो भी किसी भी आज नहीं जरूरी नहीं है जब भी 5-7 दिन 10 दिन में आप त्याग एक दिन का त्याग एक दिन का त्याग है एक दिन के लिए अभी हम अपने कार्यक्रम की ओर लौटे तीर्थंकरों की अभिवंदना में लोगस का एक ध्यान सभी आंखें कोमलता से बंद और केवल मात्र जो बोलना जाने वो बोले और जो नहीं जानते हैं वो मौन रहे और केवल श्रवण करें। लोगस वंदे सुरीपुफ्फदंतम विमलमनन्तं जलिनं गम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्तुमहरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुव्वयं नभिजिनं च वन्दामि रिट्ठनेमि पासं दरवर्धमानं च एवं मये अभिद्वा वीर्यमलापयिन जरमरणा चौबीसं